भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रही है और विपक्षी दल भी इसमें लगातार लगे हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असीम जी, पूरा जोर लगा दिया गया है एमएलसी चुनाव में आपकी पार्टी के द्वारा, क्या किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी पूरी है और सभी जनप्रतिनिधियों से हमारा संपर्क है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी का मत हम लोग को मिलेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये बात सभी लोग समझ रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मुझको अपने मतदाताओं के मत को आगे रखना होता है और सभी जो इनडायरेक्ट मतदाता हैं उनके पीछे जो मतदाता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारी संख्या में समर्थक हैं। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी से अपने पीछे जो साथी हैं उनके मत को आगे रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और चुनाव की तैयारी के हिसाब से, प्रचार के हिसाब से हमारी सारी गतिविधियां बहुत तेज़ हैं और कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और अय्या, ये चार जनपदों की एक सीट है। तो हमारे प्रियांशु द्विवेदी जी उनका प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी जीत हम लोग की होगी। अखिलेश जी भी आज कन्नौज पहुंच रहे हैं, उनका गढ़ है इटावा, कन्नौज की सीट लगातार यहां पर आज पहली बार निकल करके आ रहे हैं। कुछ मानते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, फोकस उनका अपने गढ़ को बचाने पर है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी अगर गढ़ किसी को समझेगा तो बड़ी गलती करेगा, क्योंकि मतदाता हमेशा स्वतंत्र हैं। आज हमारे सांसद, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, पर कभी भी हम कन्नौज को या किसी भी स्थान को अपना गढ़ नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें हर नागरिक के लिए हमेशा काम करना है, हर मतदाता के पास हमेशा हाथ जोड़ करके जाना है, उनके कष्ट को समझना है, उसको दूर करना है, क्योंकि जिस दिन हमने गढ़ समझ लिया तो हमारे पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा। इसी तरह की कोई चुनौती मान रहे हैं जिस तरह से निर्विरोध निर्वाचित हो गए एमएलसी? हमारे यहाँ चुनाव है और तीन प्रत्याशी हैं, कन्नौज और जो तीन जनपद की सीट है उसमें, तो हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, चुनौती है भी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है अच्छी जीत होगी हमारी। अखिलेश जी ने कल एक ट्वीट किया, आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह बन गई है और उसी तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है, उच्च आदर्शों की पार्टी है, बहुत महान नेतृत्व हमारे रहे हैं, आज भी हैं और हर गांव में हमारा नेतृत्व है। तो हमारी शक्ति संगठन की शक्ति है, आदर्शों की शक्ति है, उसको कॉरपोरेट बोलना चाहें, जो शब्द देना चाहें दे सकते हैं। हाँ, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारी पार्टी कोई एक व्यक्ति या एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर भी हमारे सदस्य हैं, कोई भी पार्टी से जुड़ता है उसको सम्मान दिया जाता है और उनके काबिलियत के अनुसार उनको जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। स्थापना दिवस है आज भारतीय जनता पार्टी का, लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि लोग बार बार ये कह रहे हैं, विपक्षी दल भी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। आज हमारा स्थापना दिवस है, 42 साल पूर्व हमारी स्थापना हुई थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा नींव रखी गई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी आत्मा आज बहुत प्रसन्न होती होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पे पूरा देश चल रहा है, पार्टी से और बहुत बड़ी संख्या में सब लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा परिणाम हम लोग को मिल रहा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण साफ तौर पे कहते हुए एमएलसी के चुनाव को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी गई है, तैयारियां पूरी हो गई हैं और तैयारियों के साथ साथ उम्मीद भी जता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छा परिणाम लाएगी। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए दिखते हैं, कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष को किसी पार्टी का गढ़ नहीं कहा जा सकता, परिवारवादी राजनीति पर भी हमला कर रहे हैं। कन्नौज से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।